हेलो फ्रेंड्स, अलकास किचन में आप सभी का स्वागत है। सर्दियों का मौसम है, खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा खाने का ज़रूर मन करता है, और अगर मीठा हेल्दी हो तो और भी टेस्टी लगता है और खुशी से खाया जा सकता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ड्राई फ्रूट वाला गुड़, जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डले हैं और ये एक हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ड्राई फ्रूट्स वाला गुड़। के लिए पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ये मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो गुड़ लिया है, प्लेन गुड़ है। ये बादाम है आधी कटोरी छोटे कटे हुए, 2 से 3 चम्मच देसी घी, 2 से 3 चम्मच सौंफ हैं, ये मीठे वाले सौंफ हैं जो प्लेन मार्केट में मिलते हैं। ये पम्पकिन सीड्स हैं छोटी कटोरी आधी, ये मूँगफली है जिसे मैंने दरदरा पर लिया है, और ये नारियल जिसको मैंने चाकू से बारीक बारीक काट लिया है, और ये आधा चम्मच इलायची पाउडर है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक कढ़ाई लेंगे हम मोटे तले वाली, इसे हमें गरम कर लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। हमें सिर्फ 2 चम्मच घी डालना है क्योंकि इसमें हमें गुड़ को पिघलाना है, तो ज़्यादा घी नहीं चाहिए हमें। अब इसमें हम ये गुड़ को बारीक टुकड़ों में हमने कर लिया है, इसको हम डालेंगे। बारीक टुकड़ों में करने से जल्दी मेल्ट हो जाएगा, गुड़ को हमें पकाना नहीं है, सिर्फ मेल्ट करना है। ये देखिए गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ पम्पकिन सीड्स, ये आधी छोटी कटोरी है, ये मूंगफली, बादाम कटे हुए, नारियल की कतरन, सौंफ हाजमा अच्छा करते हैं, और इलायची पाउडर खुशबू के लिए। हमें गैस को बंद कर देना है इस स्टेज पर, और बस ऐसे ही मिक्स करना है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये बनाना बहुत ही आसान है, जब कभी भी मीठा खाने का मन करे तो हम इसे बना सकते हैं। इस तरह से हमें यह एक प्लेट को घी लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेना है, और इसमें मैंने ये सारा मिक्सचर पलट दिया है। इसको हमें जमने के लिए रख देना है। इससे पहले इसके ऊपर हम थोड़े से सौंफ छिड़क देंगे। अभी ये घी गरम गरम है तो ये सौंफ इसके ऊपर अच्छे से चिपक जाएंगे, और ये कुछ नारियल की कतरन, इनको हाथ से हल्के हाथों से दबा देना है ताकि ये इस पर अच्छे से चिपक जाएं। और इसको जमने के लिए रख देना है। यह 15 से 20 मिनट में ही जम जाएगा क्योंकि यहाँ उत्तर भारत में ठंड पड़ रही है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता। और ये देखिए ये जम चुका है, और अब इसके हम पीसेस काट लेंगे। पीसेस कट करने के लिए हमें नाइफ को अच्छे से दबाना है क्योंकि ये गुड़ जम चुका है अच्छे से। आप जिस चाहे मर्जी शेप में इन्हें काट सकते हैं, चौकोर या ट्रायंगल या डायमंड शेप में। खाना खाने के बाद जब भी मन करे या वैसे ही कुछ भूख लगी है तो हम यह गुड़ खा सकते हैं। गुड़ वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। चीनी खाने की बजाय अगर हम एक पीस गुड़ का खा लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ये देखिए ये पीस आराम से निकल गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अपने मूल्यवान कमेंट्स देना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।